नमस्कार दोस्तों, श्याम क्रांति रिंगस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, कल आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर फर्स्ट कराया था, आज पेपर सेकंड कराएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, दोस्तों से आदि शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ITI CBT एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आपके सभी पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है, चाहे वे आप किसी भी ट्रेड से हो। साथ ही बात करता हूँ आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, पर ये सभी का कॉमन आता है, यानी ITI फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए कॉमन आता है, इसीलिए सभी के लिए ये पेपर है। तो आप किसी भी ट्रेड से हो जरूर देखिए, अगर आप अन्य ट्रेड से हो तो आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी थ्योरी का पेपर का भी एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको पेपर चाहिए थ्योरी का तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल कराए जाते हैं। आप बताओ और हम पेपर अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग बहुत बच्चे हैं जिनको टेलीग्राम के माध्यम से क्लासें मिलती है, साथ ही PDF फाइल से भी उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। तो यह आपकी ITI की सफलता के लिए बेस्ट क्लास है। तो दोस्तों वीडियो भी लास्ट तक जरूर लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो वापस रिपीट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन इंग्लिश के हैं वो मैं क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन अदर है जैसे कंप्यूटर के आदि वो मैं क्लियर कर दूँगा। तो आप ये दो क्वेश्चन अपने सर से जरूर पूछ लेना जो स्टार्टिंग है, तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त खराब ना करें। जो आपका ये पेपर आ गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो इसमें आपका पहला और दो नंबर ये क्वेश्चन आप अपने सर से पूछ के कर लेना। देखो पहले क्लियर कर दो, मुझे पता है। हाँ, आंसर जरूर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पहले का आंसर आएगा बी और आपके दूसरे का आंसर आएगा सी। तो आप अपने ITI में आपके ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टीचर होंगे उनसे पूछ लेना, अन्यथा आपके आसपास कोई इंग्लिश का टीचर होगा उनको पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्यापक पढ़ाई का अर्थ खालिस्तान टेक्स्ट समझना है। तो बताओ दोस्तों इसमें क्या समझना है। तो टेक्स्ट यानी पढ़ाई का अर्थ समझना, तो पढ़ाई का अर्थ किसी समय टेक्स्ट यानी क्या होता है, आप मैसेज में देखा होगा कि टेक्स्ट मैसेज, तो टेक्स्ट मैसेज का मतलब होता है लिखित। तो यह इसका करेक्ट आंसर आएगा लिखित, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब मैसेज वांछित प्रारूप में इंडोर कर लिया जाता है तब इसे खालिस्तान कहलाने वाले माध्यम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाए। तो दोस्तों इसको ओनली चैनल के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, यानी अपलोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब पर्याप्त खालिस्तान की व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। यानी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी के सामने, तो इसके लिए आपको क्या किसकी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपको हमेशा प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी अंधेरे में थोड़ी देर देखोगे तो प्रकाश में देखो सबके सामने, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा बी। काफ़ी ईजी प्रश्न, ओनली प्रश्न को आपको समझना है फिर उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है, जब वह शब्द जो संज्ञा में अधिक अर्थ जोड़ता है खालिस्तान कहलाता है। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाता वो, तो कहलाता आपका विश्लेषण। क्या कहलाता आपका विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, हमारा ड्रेस कोड पोशाक संहिता खालिस्तान संप्रेषण का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा अमौखिक। क्या आएगा? अमौखिक। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लेटर है। तो बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, एप्लीकेशन लेटर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपकी मुख्य विशेषता तथा काम के लिए आपकी उपलब्धता का विवरण। तो इसका करेक्ट आंसर यानी एप्लीकेशन लेटर का मतलब होता है यानी आपकी मुख्य विशेषता तथा आप काम के लिए आपकी जो उपलब्धता का विवरण होता है वो आपकी एप्लीकेशन में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश संवेदी डिवाइस कौन सी है जो कि ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट या अन्य ईमेल को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करती है। तो बताओ दोस्तों क्या करती है, तो वो आता है आपका दोस्तों स्कैनर। तो स्कैनर के द्वारा हम काफ़ी चीज़ों को परिवर्तित करके एकदम सटीक भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक्सेल में किसी सेल में कोई फार्मूला एंटर करने के लिए हमें निम्न में से किस ऑपरेटर के साथ शुरुआत करनी पड़ती है। तो बताओ दोस्तों किसकी आवश्यकता पड़ती है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा जो बराबर का निशान आता है कंप्यूटर कीपैड में, तो उसकी आवश्यकता होती है शुरुआत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बताओ दोस्तों किसका उदाहरण है,
तो दोस्तों ये उदाहरण आपको होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, किसको होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान बड़ी फाइलों में कंप्रेस करता है, तो बता दोस्तों क्या कंप्रेस करता है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा विनजिप, तो करेक्ट आंसर ए आएगा इसमें विनजिप। अगला क्वेश्चन दोस्तों सी टी आर कंट्रोल प्लस सी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो बताओ दोस्तों कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग दोस्तों सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का कॉपी करने के लिए, यानी किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करेंगे, तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी विधि सेल, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा दोस्तों, हाँ अब देखते हैं निम्न में से कौन सी विधि सेल कंटेंट की एडिटिंग करने की सही विधि नहीं है, तो बता दोस्तों कौन सी सही विधि नहीं है, तो दोस्तों इसमें अलर्ट कुंजी दबाना एकदम सही नहीं है इसमें, तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एल ए एन का पूर्ण रूप है, तो बताओ दोस्तों एल एन का पूर्ण रूप क्या है, तो एल एन का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इसका आपका लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क, करेक्ट आंसर सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा, तो बता दोस्तों कौन से विकल्प का उपयोग करोगे आप, तो इसका दोस्तों आप इंसर्ट न्यू स्लाइड का उपयोग करके इसका प्रयोग करेंगे, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्या एक मिनट लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 संचारण निरंतर चलने वाली या वाला है, तो बता दोस्तों क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अवरोध खालिस्तान के सम्मान की ध्वनित होते हैं, तो बता दोस्तों किसके ध्वनित होते हैं, तो इसका आएगा करेक्ट आंसर हाँ पर्यावरण अवरोध के सम्मान खालिस्तान ध्वनित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भौतिक, क्या आएगा भौतिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सामर्थ्य तथा हिंसा के मानकीकरण को खालिस्तान लिंग के रूप में मान्यता दी जाती है, तो बता दो किसके रूप में दी जाती है, पुरुष के रूप में दी, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान सीटेस का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो बता दो किसे प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एसीटेट फिल्म सीट। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान लिसनिंग में मुख्य प्रवृत्ति नियम सूचना की अपेक्षा करना होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है, तो बता दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रशंसात्मक। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है, तो बता दोस्तों क्या संदर्भित करता है उसको, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सांस्कृतिक, क्या आएगा सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खालिस्तान विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्विच की फॉर्मर्स को समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार तैयार हो जाता है, तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7। अगला क्वेश्चन है आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए, तो बताओ दोस्तों कब आने की योजना बनानी चाहिए, 30 मिनट पहले यानी वो आ रहे, तो उसके लिए हम किस प्रकार क्या सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को सक्षम तथा खुशहाल रहना चाहिए, तो दोस्तों कैसे खुशहाल रहेंगे आप, तो आत्मसम्मान करके हम खुशहाल रह सकते हैं। दोस्तों ये पेपर आपका जो सेमेस्टर प्रणाली में था उसका पेपर था, तो यहाँ पर लगभग आपके 50 क्वेश्चन थे लेकिन मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं, अगले पेपर में आपको 25 क्वेश्चन और कराएंगे, तो एक ही पेपर में आपके दो दो पेपर कवर हो जाएंगे और लगभग इनमें से बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो वापस रिपीट होंगे, क्योंकि आपको मालूम है अभी हम आपका सिलेबस कवर नहीं कर सकते ऑफलाइन क्लास लगा के, लेकिन पेपरों की सहायता से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आगामी एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारा कहने का यही है कि आप हमारा अधिक से अधिक सपोर्ट करो जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आपको इससे भी अच्छी क्लासें प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।